मकड़ी जाने लग चुके सड़क भाई बिल्कुल। हाँ अभी मकड़ी जाला आए थे सामने भाई, ये तो बोल रहा हूँ भाई। और ये कौन है भैया? हाँ भैया कैमरा चालू कर लिया। हाँ भैया चालू है। क्या हुआ, हुआ क्या? आवाज सुन यार, की आवाज यहाँ पे जो आवाज आ रही है भाई वो आवाज सुन भाई। सबसे पहले यार कुत्ते वो कुत्ते रोने की आवाज है भाई, रात के 12 बजे भाई। ये तो बोल रहा हूँ। अरे क्या हो गया? लाइट अचानक से बंद हो गई बिल्कुल ही। हाँ पता नहीं क्या हुआ, लाइट बंद क्यों हो रही भाई? पता ही नहीं यार, अपने आप ही। आप जब से बोल रहे हो ना कुत्ते भोंकने की आवाज आई है, रोने की आवाज आई है तब से। दोस्तों 12 बज के जस्ट अभी 22 मिनट हुई है, 12 बज के 22 मिनट। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आप सभी का कुछ तो ऑफिशियल पे। जो मेरे प्यारे भाई बहन है यार, उन सभी को यार मेरे दिल की गहराई से ढेर सारे प्यार, और जो मेरे से बड़े हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आप पहुंचे ऐसी लोकेशन पे जहां पे रात को 12 बजे बाद में ऐसी कोई दुल्हन के वेश में एक ऐसी ड्रावनी चीज दिखाई देती है लोगों को, जो कि आज दिन तक ये रास्ता सुनसान पड़ा हुआ है उस दिन से लेकर आज दिन तक, जो कि मतलब ये बात है करीबन 7-8 साल पहले। यहाँ पे एक लड़की है जो दुल्हन के फेस में दिखाई देती है, और मेन रीजन यहाँ का एक सबसे बड़ा मेन रीजन दोस्तों है ना, यहाँ पे शमशान है भाई। यहाँ पे कुछ ही दूरी पे यहाँ पे शमशान है जो कि काफी सालों से पुराना है, और ना कि वहाँ पे कोई जो मान लो कि यार अंतिम संस्कार करने के लिए कोई मुर्दे को लेके जाता है ना भाई, वो लेके जाना बंद कर दिया। रीजन उसका मेरे को पता नहीं, बट गांव वालों ये कहना है कि अगर वहाँ पे कुछ अंतिम संस्कार करने के लिए किसी को लेके जा रहा है ना भाई, तो वहाँ पे अजीब से दिन में ऐसी घटना घटती है भाई कि मुर्दे को छोड़ के वहाँ पे भागना पड़ता है लोगों को भाई। ऐसी कोई चीज दिखाई देती है दोस्तों यहाँ पे, रियलिटी बताता हूँ यहाँ पे ऐसी कोई चीज दिखाई देती है जो कि अगर किसी को दिख जाए भाई यहाँ पे, या तो वो बेकाबू हो जाता है और या फिर पागल हो जाता है उसको देख के। ये की चीज है, एक ये रास्ता है ना, ये रास्ता एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता था भाई। ये पहाड़ दिख रहा था ना भाई, दूर मेरे साथ बहुत दूर है दोस्तों। ये पहाड़ दिखेगा नहीं दिखेगा कैमरा मेरे को पता नहीं, बट एक रीजन है, इस पहाड़ के पीछे एक गांव है और एक पीछे इसके गांव। ये रास्ता ना एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ता है, जोड़ने का मतलब इस गांव से बंदे उससे मतलब इस गांव में जाते हैं, इस गांव के लोग है ना इस गांव में आते हैं भाई, ठीक है। इसी के बीच में एक शमशान है, काफी पुराना, काफी सालों से वीरान पड़ा हुआ है। उसका रीजन ये कि है कि भाई वहां पे जाते हैं ना, रात को जाओ या दिन को जाओ, दिन में जाने के बाद भी रात को जाने के बाद में भी बंदा वहां तक पहुंच जाएगा, बट उसके बाद में जो एक्टिविटीज जो घटना जो होती है ना भाई बंदे के साथ, वो राम ही जाने भाई। क्योंकि यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनका कहा गया है कि भाई वहाँ पे उसी रास्ते से कभी रात को मत जाना, और दिन में भी होती कोशिश तो दिन में निकल रहे हो, यहाँ से निकलते हैं लोग, यहाँ से निकलते हैं, बट उस चीज के पास कोई नहीं रुकता दोस्त यार, जो शमशान है उसके पास। कहा जाता है यहाँ पे एक चुड़ैल है, एक लड़की है ऐसे वेश में आती है जो कि लोगों को दिखते ही वो दिख जाते हैं लोगों को भाई, बेकाबू हो जाते हैं और पागल हो जाते हैं, और वो लिफ्ट मांगती है आई रात को कोई निकल रहा है लिफ्ट मांगती है भाई वो। तो यार दोस्तों मेन रीजन यहाँ का यही है कि शमशान है और काफी सालों से बंद पड़ा है, वीरान पड़ा हुआ है, वहां का रीजन मैंने आप सभी शेयर कर दिया है। तो यार इसी रास्ते पर आपका भाई आगे बढ़ने वाला है, आगे क्या होगा मेरे साथ मेरे को पता नहीं है। बाकी दुआ करना माता रानी से, आप जो भी मानते हो उसको, कि भाई यहाँ से वापस सेफ
निकल जाए दोनों भाई नरेंद्र कैमरे पे, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, जो भी मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बहने चैनल पे नए हैं बस सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना रिस्क लेके आया हूँ आज, मेरे को पता है कितना रिस्क होने वाला है और कितना रिस्क हो सकता है, जिंदा निकल सकता है यहाँ से नहीं निकल सकते इसका पता नहीं है मेरे को, बट लाइक कर देना दोस्तों यार, ठीक है भाई। देखो चांद पर बात, किसी भी तरह की यहाँ पे किसी भी तरह की आवाजें नहीं है, ओनली फॉर जानवर के अलावा, क्योंकि यार दोस्तों आते नहीं यहाँ पे लोग यार, तो क्या कौन से जानवर की आवाज होगी यहाँ पे। अच्छा भाई इस तरफ कर, झाड़े देखो, झाड़े दिखा भाई एक मिनट, कैमरा उठा के ऊपर उठा के झाड़े दिखा भाई, क्या जंगल है चारों तरफ तो बस रास्ता ये पीछे पीछे दोस्तों, ये नहीं कि भाई हाँ सामने मतलब कि स्टार्टिंग में खड़े हो गए जंगल बीचों बीच है, क्योंकि जंगल के बीचों बीच बाद में ही यहाँ पे ऐसी चीज आती है भाई, लोगों को यहाँ पे ही ये चीज दिखाई देती है भाई। अच्छा भाई नहीं दस, हाँ भैया सामने रखना कैमरा भैया, सामने रखना कैमरा भाई, ठीक है ना, काम नहीं कर रहा भैया, हाँ सामने रखना कैमरा, कुछ भी हो भाई रिकॉर्ड हो या कुछ आवाज आए किसी भी तरीके की तो मेरे को बताना, अरे तेरे को लगे भाई यहाँ पे दिक्कत हो सकती है मतलब ऐसा लगे भाई, हाँ अपने पे कुछ, आपको लगता है ये रास्ता गांव को जोड़ता है भाई, जोड़ता था कुछ सालों पहले, अभी नहीं कुछ सालों पहले ये गांव जोड़ लगता है, नहीं कोई आता भी है भाई, दिन में आते हैं यहाँ पे लोग, बट कोई वही आते हैं लोग जहाँ पे मतलब कि अर्जेंटली कोई काम हो, कोई जाना चाहता हो इस गांव में या कोई मिलना चाहता हो किसी से वही आते हैं, बाकी कोई नहीं आता, वहाँ से हाईवे बन चुकी है, हाईवे से डायरेक्ट जाते हैं, बट ये हाईवे पड़ती है 7 किलोमीटर और ये पड़ता है 13 किलोमीटर दोस्तों। डीप देख भाई नहीं तो डीप देख यहाँ पे, चारों तरफ भाई जानवर की आवाज है, वो जंगल है और डीप है भाई चारों तरफ से, इस टाइम तो मकड़ी के जाले लग चुके हैं सड़क भाई बिल्कुल, हाँ अभी मकड़ी जाला आए थे सामने भाई, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, और ये कौन है नंदन 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 अचानक से, वो अचानक से आई है, वही तो बोल रहा हूँ, नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर भैया, एक मिनट वही 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 मकड़ी चले, कौन है आप भैया, भैया भैया देखिए कौन है, बात करने की कोशिश करिए आप भैया, भैया ये तो कुछ दुल्हन लग रही है यार भैया, इसका ही मोमेंट गोश्त भाई, वही चीज है यहाँ पे शमशान होगा आसपास भाई, गाड़ी खड़ी करता हूँ, बात करने की कोशिश करते हैं, हाँ तो नहीं दिख रहा यार शमशान, पीछे थी भाई यहाँ पे आती हुई मुझे भी दिखी यार, आती हुई यहाँ पे दिख रही थी भाई, अभी यहाँ पे दिख रही थी सामने भैया, इस तरफ करना भैया, जानवर की आवाज है दोस्तों, मैं सामने भैया कुछ तो लग गया भाई यार, ये भैया एकदम से प्रकट हो रही है सामने से, मीठा तो खाके नहीं तू, नहीं नहीं मीठा नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया घर पे आज तो भैया, यार देखिए पूरा भाई 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 नंदन भाई देख ले भाई देख ले भाई 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 भाई, मैंने ऐसी चीज पहली बार देखी मेरी लाइफ में भैया, कुछ तो कौन है आप, आपके बारे में मैंने सुना है, आपके बारे में लोग बात करते हैं, वही हो आप, कुछ गाना गा रही है भाई, कुछ बोल रही हो, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, ओए कुछ चमका ओ भैया, कहाँ पीछे और कुछ है, कहाँ गई वो, कुछ चमका यार दूर तक, वो भी गायब हो गई, वो चली गई, देखो अभी पहाड़ भी नजर आने लगी अब तो, हाँ वही तो पास आ गए पहाड़ है यहाँ पे बीच में भैया, कोई तो चमका था यार, भैया कैसी आवाज है भाई यार, अच्छा रेल की आवाज थी भैया, भैया यार जगह क्योंकि भाई ट्रेन की आवाज तो दूर तक आती है यार, जो शमशान होता है ना वो ढूंढना है भाई सबसे पहले, भाई 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 मम्मी यार भैया राम राम
भैया तो यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा यार, कहाँ गई भैया? कसम यार ये भाई दिल देना भाई, ये दिल दिलाने वाली चीज है भाई यार। अकबर दीजिए दीजिए रोनी आचार्य आगे से यहाँ देखिए, आप जो भी हो हमें हानि पहुंचाने की कोशिश मत करना प्लीज। भाई लड़की भैया देखिए, हम आपसे बात करने के लिए आए यहाँ पे। भैया ऐसा कैसे लग रहा है गाड़ी रो रही है? ना कि हमारा मकसद है इतनी रात को आपको परेशान करने का, प्लीज बात करने को। पीछे हट यार। भैया कुछ तो अलग है यार। इसको पैसे पर भाई साढ़े देगा आप। हाँ भाई 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 फोन वही है वही है वही है। देरी कसम भाई यार, रिक्वेस्ट आपसे प्लीज हमें किसी भी तरह की हानि मत पहुंचाना। हम आप सिर्फ ओनली फॉर हमारा मकसद है आपसे बात करने का, हम बात करने के लिए आए। प्लीज हमारी बात सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए प्लीज। आप लोगों को क्यों दिखाई देते हो, आखिर राज क्या आपका प्लीज बताइए। और चल किसी लिए भैया यही तो बोल रहा हूँ यार। अंदर ओए 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 मेरी कसम भाई ओए आ गए ओए पवन यार रुक जा, ये भाई चीज गलत है भैया। दोस्तों यार जहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन है ना भाई, वहाँ पे आ चुके हैं और जो आपके सामने जो चीज दिख रही है भाई ऐसी इतनी भयानक चीज है भाई। भैया अगर हमारे मतलब गुरुजी की दी हुई सेफ्टी है इसलिए हम इससे बात कर पा रहे हैं और अभी तक यहाँ पे खड़े हैं भाई, इसलिए ये अटैक नहीं कर रही है, हानि नहीं पहुंचा रही है। वरना दोस्तों हम है ना इसके सामने एक मिनट के लिए भी इसे बात करने की दूर की बात दोस्तों खड़े नहीं रह पाते भाई। यहाँ पे भाई हमारे गुरुजी की दी हुई सेफ्टी है इसलिए आप खड़े हैं और आप लोगों को जितना हो सके उतनी चीजें दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आप सभी के आसपास जितने भी लोग हो गए ना भाई, या अपने गांव है या अपने बुजुर्ग आसपास के, वो जो कहानी सुनाते हैं वहां पर मत जाना। वो पुराना मकान है या पुरानी हवेली या पुराना जंगल है या पुराना शमशान है, वहां तक मत जाना क्योंकि ऐसी चीजें होती है वहां पे। तो यहाँ पर रियलिटी कहते हैं जो पुराने लोग बोल रहे हैं ना भाई वो रियलिटी होती है दोस्तों। प्लीज आप सभी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसी जगह पर मत जाइए आप पिकनिक बनाने या घूमने या कभी शौक से या कभी हिम्मत करके। प्लीज आप सभी रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे साथ होती है, क्योंकि गुरुजी की दीवी ऐसी चीजें हमारे पास जो ऐसी चीजें होती है ना भाई वो एकदम से अटैक नहीं कर सकती भाई हमारे पे। इसलिए दोस्तों आप सभी रिक्वेस्ट है ऐसी जगह पे कभी मत जाना भाई। इनका आ जाना भाई यहाँ का मकसद आपको भाई का शमशान ढूंढना, क्योंकि शमशान पे जाने के बाद किसी ने बोला है कि भाई जो मीठा था ना मीठा भाई मीठा वहाँ पे मीठा खा लिया आपने, मीठा खाने के बाद आपको ऐसी कहानी सुनाई देगी वो, या कहानी सुनाएगी वो चीज दिखाई नहीं देगी बट आप रोने लग जाओगे। वो चीज सुननी है मेरे को, मीठा नहीं लिखा है दोस्तों आज। बाकी आप जब एक कमेंट रहेगा तो भाई यहाँ से जिंदा निकल गए तो नेक्स्ट बार आने को रहूँगा मैं आपसे। बाकी अभी अगर ढूंढ लेना अभी तो मीठा तो नहीं भाई तो चलते चलने गए चलते सामने कोई नहीं है यार। आगे चले गए भाई चलो उस गाँव में चले चले हम कोशिश करते हैं भैया। गांव तो पहाड़ से बहुत दूर है यार, पहाड़ तो हम तो पीछे पहले पहाड़ तो बाद में आ गया ना भाई तो आगे भी चलेंगे भाई। पहाड़ तो बहुत ज्यादा दूर है यार, यहाँ से वो दूर पड़ा है इतने दूर, कब तक चलेंगे वहां तक यार? रास्ते में पता नहीं अंजाने क्या हो रहा है। चार तो बने एक इस तरफ खोला लाइट को दोनों को यहाँ पे दिख रही थी वो चीज। ओ भैया सामने से प्रकट हो गई एकदम तो बोल रही है जंगल देख ये जंगल ही है भैया, रास्ता तो नाम के रास्ता का नाम ही नहीं है बिल्कुल भी। ये देख यहाँ से कौन जाता होगा यहाँ तो हड्डियाँ पड़ी है दूर दूर तक देख यहाँ पड़ी है हड्डी पड़ी है भैया।
बाप रे। दोस्तों मैं भी चाहता हूँ आप सभी कमेंट करके छूना, ऐसी चीजें छूनी नहीं चाहिए, बट आप सभी केले करने के लिए ये हड्डी है ना, इस चीज से लेकर समझ सकते हो आप कि ये मतलब कितनी पुरानी हो सकती है और यहाँ पे पड़ी है अभी तक, और जो एक ही हड्डी पड़ी है इसके इसके अलावा इसके जो भी पार्ट्स है या जो भी इसके आवाज इस पर अंदर का कोई नहीं बाहर इस तरफ बाहर भैया हम इसको छेड़ेंगे नहीं क्योंकि इसने बहुत मुसीबत या बहुत मेहनत करके ये चीज बनाई होगी। दिख रहा है भाई लाइट नीचे कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिखा ठीक है दोस्तों। ये बहुत मेहनत, ये तोड़ूंगा नहीं भाई, इस चीज को लेकर देख सकते हो आप, कोई आता जाते नहीं यहाँ से। ये देख यहाँ तक बना, इसका मतलब ये है फर्स्ट बार भैया ये रास्ते हम ही आए हैं, हम ही आए भाई बहुत टाइम बाद। हाँ भाई अंदर क्या हुआ? अरे अरे सामने 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 भाई पूरा बाप रे, अगर ना आगे भाई इधर देखिए प्लीज हमारे से बात करने की कोशिश करिए प्लीज। कौन है आप और क्या चाहती हो, आपकी अधूरी ख्वाहिश क्या है वो हम पूरी करने के लिए आपके भाई है, आप भाई मान लो हम आए यहाँ पे, प्लीज बात करने की कोशिश करिए। प्लीज बात करने की कोशिश करिए प्लीज हमारे से, ना कि हमें हानि पहुँचाइए आप भैया। हमारा कोई मकसद नहीं है आपको इतनी रात को परेशान करने का यहाँ पे, ना तो इतनी रात को यहाँ पे आने का, बट आपके बारे में जितने जैसे पता लगे हमें, हम यहाँ पे आए आपसे बात करने के लिए। मैं आप मतलब आपके जैसे कई बहनें हैं मेरी, उनको मैं मतलब कि जो भी उनकी अधूरी ख्वाहिश है वो पूरी कर रखा हूँ मैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपकी जो भी अधूरी ख्वाहिश है वो बताइए हमें, वो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे बस प्लीज। मैं बात कर रहा भैया रोने की आवाज आई है भैया, रो रही है भाई इधर रो रही है भैया, वापस चले गया उसी तरफ। एक मिनट भैया शांति रखना है तो यार थोड़ी बहुत शांति रखी, इस तरफ आ जा, इस तरफ आ जा, इस तरफ आ। आ रही है, वो आ गई पास में, आ गई